चलो मैं बात कर रहा था 9.5 वाली, 9.5 के अंदर कौन सी सर्विसेज होती है, क्या अमेंडमेंट हुई है, कितने लोगों को पता है? 9.5 के अंदर क्या अमेंडमेंट हुई है, कितने लोगों को पता है? 9.5 जीएसटी काउंसिल में 9.5 के अंदर, या कई लोग कह रहे हैं सर हमें 9.5 ही नहीं पता, ठीक है ना, कई लोग कह रहे हैं सर 9.5 ही नहीं पता, कोई ऐसा है क्या जिसे 9.5 नहीं पता? तो भाई पहले समझ लो, सेक्शन 9 जो हमारा होता है वो चार्जिंग सेक्शन होता है, और सेक्शन 9.5 के अंदर, 9.5 के अंदर तीन आदमी होते हैं, तीन आदमी होते हैं, एक तो होता है कस्टमर जो सर्विस ले रहा होता है, एक होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर जो अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करा रहा होता है, एक होता है सर्विस प्रोवाइडर, ये तीन लोग इसके अंदर होते हैं। तो इसके अंदर जो टैक्स देता है वो ECO देता है। तो सर अब इसके अंदर क्या चेंज हुआ, चलो मैं तुम्हें GST काउंसिल की मीटिंग का पैराग्राफ पढ़कर बताता हूँ और फिर क्या चेंज हुआ वो बताता हूँ। तो इसके अंदर क्या चीज़ बोला इन्होंने, इन्होंने लिखा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022 लाइबिलिटी टू पे GST ऑन बस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। अब आपको पता है कि भाई पहले तो ओला उबर ही चला करती थी, लेकिन जो बस ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो भी आपने देखा होगा कितने लोगों ने, ठीक है, बस को बुक करा हुआ है किसी ऐप से, भाई दिल्ली से हरिद्वार जाना है, दिल्ली से उत्तराखंड जाना है, दिल्ली से मनाली जाना है, मुंबई से पुणे जाना है, पुणे से हैदराबाद जाना है, आप सब लोग एक ऐप आता है, ठीक है, रेड बस वगैरह वाला, आप उसे यूज़ करते हैं? हाँ सर हम उसे यूज करते हैं। तो अब उसमें क्या चेंजेज है ज़रा समझो, कहता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022 लाइबिलिटी टू पे GST ऑन बस ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर हैज़ बीन प्लेस ऑन द ई कॉमर्स अंडर सेक्शन 9.5। तो इन्होंने क्या बोला था कि भाई 9.5 के अंदर जो ये रेड बस वाला है, ये जो रेड बस वाला है ये टैक्स देगा। अब ये बस का ड्राइवर है, जिसकी बस है ये कस्टमर हो तुम लोग। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर तुम कोई बस बुक करोगे, तुम बस कोई बुक करोगे, किससे बुक करोगे, रेड बस से बुक करोगे, ठीक है ना, तो आपको जो है टैक्स नहीं देना, टैक्स रेड बस वाला ही देगा, बस मालिक को छोड़ दिया। अब बस मालिक ने क्या बोला, बस मालिक की अपनी समस्या है, क्योंकि बस मालिक ने जब नई बस खरीदी मान लो 50 लाख रुपए की, तो उसके पास बहुत सारा ITC है, उसने कहा अगर मैं टैक्सी नहीं दूंगा तो ये ITC मुझे कैसे मिलेगा, मैं अगर मैं टैक्सी नहीं दूंगा तो मुझे ITC कैसे मिलेगा। तो हुआ क्या, दिस ट्रेड फैसिलेशन वाज मेजर वाज टेकन ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशन दैट मोस्ट ऑफ द बस ऑपरेटर सप्लाइंग सर्विस थ्रू ECO ओन्ड 1 or 2 बस। उन्होंने कहा भाई जो ये रेड बस पर जो बसें चलती हैं, दो तो है रामलाल की, दो है श्यामलाल की, दो है किसी और की, रेड बस वाले पे तो अपनी कोई बस ही नहीं है, मान लो उसने तो दो दो बसें सबकी ले रखी हैं। अब इन्होंने ये क्या बोला कि जिन लोगों की दो दो बसें हैं और उनके पास एंड वर नॉट इन द पोजिशन टू टेक रजिस्ट्रेशन एंड मीट GST कंप्लाइंस टू अराइव एट ए बैलेंस बिटवीन द नीड ऑफ स्मॉल ऑपरेटर फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड द नीड ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइज प्लेयर टू टेक ITC, ठीक है ना। अब उसमें छोटा वाला व्यक्ति ये कई बार ये भी कह सकता है भाई मेरी तो एक ही बस है, मुझे GST के झमेलों में नहीं पड़ना, लेकिन बड़े प्लेयर ये भी कह सकते हैं जिनकी दो बसें हैं, चार बसें, 10 बसें 20 बसें, सर हमें तो ITC लेना है। GST काउंसिल हैज़ रिकमेंडेड दैट बस ऑपरेटर ऑर्गेनाइज एज कंपनीज कि जो भी बस ऑपरेटर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एज कंपनीज मे बी एक्सक्लूडेड 9.5, कि इन्हें उठा के जो ये बड़े बस वाले हैं जो कंपनी बना के 10-10 बसें लेकर चल रहे हैं, ये जो 10-10 बसें लेकर चल रहे हैं कंपनी बना के, स्कूलों में भी इनकी बसें लगी हुई हैं या जहां मर्जी इनका काम है, तो इन्हें ये कह रहे हैं 9.5 के प्रव्यू से बाहर कर देते हैं। इन्हें क्या करते हैं, 9.5 के प्रव्यू से बाहर कर देते हैं, जिसकी वजह से ये लोग अपना ITC ले पाएंगे, तो जिन लोगों को 9.5 में आने की वजह से
आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिल रहा था। जिन बस ऑपरेटर्स को 9-5 में आने की वजह से, किस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिल रहा था, आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिल रहा था, अब उन्हें 9-5 में, ठीक है ना, अब उन्हें 9-5 से हटा दिया है। तो क्या है नोटिफिकेशन, तो इसके अंदर नोटिफिकेशन क्या है, नोटिफिकेशन नंबर 16/2023 सेंट्रल टैक्स रेट। अब कई बार क्या होता है, ये वाली जो नोटिफिकेशन आई पिछले दो दिनों में, जो 20 अक्टूबर को आई, आज 22 अक्टूबर को कर रहे हैं, तुम्हें पता ये फेमस नहीं हुई, ये नोटिफिकेशन फेमस क्यों नहीं हुई, तुमने देखा ये व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत घूमी हो, हाँ बोलो, ये वाली नोटिफिकेशन घूमी व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे ज़्यादा, हाँ यूट्यूब पर भी किसी ने वीडियो नहीं बनाई ज़्यादा, ऐसा क्या है इस बेचारे के साथ, इस बेचारी नोटिफिकेशन के साथ ऐसा क्या है कि इसे कोई तवज्जो ही नहीं देता, हाँ कोई बताएगा इन नोटिफिकेशन को कोई तवज्जो क्यों नहीं देता, बोलो, ये रेट की नोटिफिकेशन है, इन नोटिफिकेशन के आगे लिखा हुआ है रेट, ये कहते हैं ये रेट की नोटिफिकेशन है, इन्हें हम तवज्जो नहीं देते, ये तो डेली चेंज होती रहती है, हमें क्या मतलब रेट में क्या हो रहा है क्या नहीं, कभी गवर्नमेंट 5% कर देती है, कभी 2.5% कर देती है, तो रेट वेट में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो ये वाली नोटिफिकेशन बेचारी ज़्यादा फेमस नहीं होती, लेकिन 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 जो हमारी मैगजीन आएगी नवंबर की, उसमें हम सारा का सारा एनालाइज करके देंगे आपको। तो अगर किसी की मैगजीन एक्सपायर हो रही हो ना, तो रिन्यू करा लेना इसी बार। तो ये वाली रेट की नोटिफिकेशन में सर ये आरसीएम वाली क्यों हो जाती है, 9-5 वाली क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ का इनका भी लिंक ना रेट से ही होता है, इनका भी चार्जिंग सेक्शन से लिंक होता है, रेट से ही लिंक होता है। तो 9-3, 9-4, 9-5 की नोटिफिकेशंस इन्हीं के थ्रू आती हैं। तो कई बार इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपकी मिस ना हो तो रेट की नोटिफिकेशंस को खोल के देख लिया करो। तो क्या हुआ है कि नोटिफिकेशन नंबर 16/2023 सेंट्रल टैक्स रेट अमेंडेड नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन ने क्या करा है, जो नोटिफिकेशन नंबर 17/2017 थी जो रिवर्स चार्ज लगाती थी किस पर, ई कॉमर्स ऑपरेटर पर, उसे चेंज कर दिया है। क्या चेंज कर दिया भाई, विद इफेक्ट फ्रॉम, ये वाली तो कहानी वहीं से आ गई, ठीक है ना, इन एक्साइज ऑफ द पावर ऑफ द सबसेक्शन 5(9) ऑन द रिकमेंडेशन हेयर फर्दर अमेंडमेंट दिस मैं सर्विस बाय ऑफ वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी मोटर कैब दिस इन्होंने कर दिया, ये वाला अमेंडमेंट हुआ, इसे नोट कर लो। इसमें एक वन आई क्लोज डाल दिया, क्या बोला कि सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एन ओमनीबस एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज ए कंपनी। तो अगर कोई कंपनी बनकर ठीक है ना, इसे ऑपरेशन में लाएगा, तो भाई वो कंपनी बनकर ऑपरेशन में लाएगा तो वो 9-5 में जाके टैक्स नहीं होगा, उसकी जो टैक्सेशन होगी वो जैसे नॉर्मल होती है वैसे होगी। अदरवाइज कोई और व्यक्ति अपनी ओमनीबस लेके जा रहा है, उसमें रेड बस वाला ही टैक्स देगा 9-5 के अंदर, ठीक है ना। और अगर कोई कंपनी बनाकर अपनी बस को चला रहा है वहाँ पर, तो उस वाले केस में इन्होंने क्या बोला है कि वो 9-5 के दायरे से इसे एग्जिट कर दिया, 9-5 से हटा दिया। कंपनी का मतलब वही है जो कंपनी एक्ट में कंपनी होती है, चाहे वो वन पर्सन कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड है, चाहे लिमिटेड कंपनी है। बोलो, ये वाली रेट्स के अंदर जो नोटिफिकेशन आई थी, क्या ये दोनों अमेंडमेंट क्लियर हुई आपको या नहीं, बोलो फटाफट से, क्या दोनों अमेंडमेंट क्लियर है? हाँ, एक रेडियो टैक्सी को लेकर और एक ये बस वाले को लेकर, ये दोनों अमेंडमेंट क्लियर है या नहीं, फटाफट से बोलो।